सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के गुरफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। तो करते शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल के साथ में। आज हमें सवाल था Redmi Note 11 सीरीज के लिए, तो आप में से लोगों ने दोस्तों पसंद किया है Redmi Note 11 Pro Plus को, जो कि आते हैं 19%, फिर है करीब 6% Redmi Note 11 Pro वाले, 3% Redmi Note 11 वाले, और ऐसे में टोटल 73% बोलते हैं हमको कोई भी पसंद नहीं आया है। भाई यहां तो गजब बेइज्जती हो गई है। बट एनीवेज, आज उसमें सवाल आपसे यह है कि WhatsApp पेमेंट्स को क्या आपने यूज किया है? क्या आपने WhatsApp के थ्रू अपने दोस्तों वगैरह को भैया कभी पैसे वैसे भेजे हैं क्या? रिसीव भी किए हो तो बता सकते हो। बताना जरूर क्या आपका जवाब सीधा पोस्ट सेक्शन में जाते हुए, नीचे कमेंट करते हुए, और हमेशा हर बार की तरह पूरी ताकत के साथ में दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। यहां दोस्तों बात करते हैं पहले बड़े को लेकर, निकल के आता है WhatsApp पेमेंट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों अभी आपको 51 रुपए का कैशबैक मिल सकता है दोस्तों जब भी आप यूज करते हैं WhatsApp पेमेंट्स को। और बेसिकली दोस्तों यहां पे जो है वो आप 1 रुपया दे के भी 51 का कैशबैक ले सकते हैं। यहां पे कुछ ऐसा ट्रिक सा है, 5 बार आपको मिल सकता है, मतलब टोटल 255 रुपए कमा सकते हैं WhatsApp पेमेंट से, अगर आप ऐसे जुगाड़ में तो हम खैर सभी आप जानती हैं भैया एक्सपर्ट होते हैं देसी, तो मतलब थोड़ा सा आप शायद ये काम कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ऐसे हमारे पास में PUBG 14.2 वाला अपडेट आ गया है, जहाँ पे नए वेपन्स आ गए हैं, गेम प्ले दोस्तों कुछ नए अपडेट्स आ गए हैं, काफ़ी सारे बग्स को फिक्स कर दिया गया है। तो अगर आप PC वगैरह पबजी खेलते हैं तो आप इसका मजा उठा सकते हैं। वैसे फिलहाल के लिए हम सभी इंतजार कर रहे हैं PUBG न्यू स्टेट का मोबाइल में PC वाला कुछ कुछ नया वाला मजा उठाने के लिए। यहाँ पे अभी मर्सिडीज कार्स दोस्तों जो होंगी ना, उसमें 2022 से ऑप्शनल डॉल्बी एटमॉस वाला हमको फीचर मिलने वाला है। यार डॉल्बी एटमॉस हमने मोबाइल फोन वगैरह में देखा है, और यहाँ पे दोस्तों अभी ये गाड़ियों में भी हम एंजॉय कर पाएंगे, मतलब जो साउंड का पूरा होगा मजा वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। और ऐसे में अभी देखते हैं कि किस तरीके से आपके इन कार एंटरटेनमेंट को ये और एनहेंस कर पाता है। अगेन दोस्तों यहाँ पे अभी GTA सैन एंड्रियास ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास दोस्तों आप जानते हैं कितना ज्यादा पॉपुलर है, और ये अभी VR पे आने वाला है दोस्तों, Oculus Quest 2 पे। और अगेन यहां पे VR में अगर आप सोचो कि आप GTA खेल रहे हो, कितना ज्यादा मजा आ जाएगा, मतलब आपको लगेगा कि यार आप खुद एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन गए हो, और काफी लोग डेफिनेटली इसको अप्रिशिएट भी करेंगे। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे अभी गूगल जो है वो काम कर रहा है सेकंड जनरेशन टेंसर चिप पे, और यहाँ पे एक और अपडेट ये है कि जो पिक्सल 6 प्रो है वहां पर दोस्तों काफी ज्यादा डिमांड चल रही है, तो ये बेसिकली अभी लोग जो है वो वेट लिस्ट में आ गए हैं काफी, मतलब लोगों ने पिक्सल 6 प्रो के लिए ऑर्डर्स वगैरह किए हैं। बिकॉज प्राइस अगर हम देखें तो यार बहुत ही सही प्राइस पे गूगल इन फोन्स को लॉन्च किया है, और यहाँ पे अभी अपकमिंग और पिक्सल फोन्स के लिए जो आगे आने वाले होंगे गूगल और नई टेंसर चिप पे फिलहाल काम कर रहा है। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे फेसबुक का लेके अपडेट निकल के आता है भैया, बहुत लोगों ने बहुत मजाक बना लिया, बिकॉज फेसबुक जो है वो बन गया है मेटा, मेटावर्स में बातें कर रहे हैं, अलग वर्चुअल दुनिया, पता नहीं क्या क्या चीजें, बहुत सारी बातें फेसबुक ने कल करी हैं। तो ऐसे में काफी लोगों ने काफी मजाक बना दिया भैया मिस्टर जुकरबर्ग का, और ऐसे में प्रेसी और ये सब को लेके दोस्तों जो पूरा ये फेसबुक आप जानते ही हैं भैया कैसे घिरा रहता है स्टार्टिंग से ही, वो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले टाइम से ही अभी के लिए तरह तरह के स्कैंडल सामने आते रहते हैं, लेकिन फेसबुक वो है कि बस नाम बदलेंगे काम सेम करेंगे, समझ रहे हो आप। वैसे यहाँ पर दोस्तों अभी एप्पल जो है उसने इंडिया में अपना बिजनेस डबल कर लिया है 2021 फिस्कल ईयर में, तो यार ये एक बहुत ही सही अपडेट निकल के आता है, जहाँ पे मतलब इंडिया में एप्पल की ग्रोथ रिसेंटली में देखा वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। आपको लगता है वैसे ऐसा? मुझे तो लगता है ऑब्वियसली, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है एप्पल को, काफ़ी लोगों ने इंडिया में एप्पल को यूज़ किया है फॉर द फर्स्ट टाइम में भी। आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है मेटा को ही लेके, जहाँ पे मेटा जो है वो स्मार्ट वॉच लॉन्च करने वाला है अभी कैमरा के साथ में, जहाँ पे आपको नॉच वाली स्मार्ट वॉच मिल जाएगी। फेसबुक का भी प्रोडक्ट हो जहाँ पे कैमरा हो या माइक वगैरह हो, तो भैया दूर से देख के उसके बस हाथ जोड़ के भागना चाहिए दूर, कोई हमारे हम घड़ी पहन लें फेसबुक वाली जिसमें कैमरा भी लगा हो, और क्या क्या दे दे फेसबुक को हमारी लाइफ से निकाल के डेटा, मतलब पता नहीं भाई लोग इसको यूज़ भी करेंगे
अब सोच रहे हो अब दुनिया कैसी होने वाली है फिर। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में जियो फोन नेक्स्ट की प्राइस आ गई है इंडिया में, जो कि है दोस्तों अभी यू नो दिवाली से अवेलेबिलिटी के साथ में 1,999 रुपये डाउन पेमेंट के साथ। बाकी दोस्तों यहाँ पे EMIs के थ्रू आप इस फोन ले सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे प्लान होने वाले हैं। और अगर आप लेते हैं इसको स्टैंड अलोन तो वो होगा 6,499 रुपये का। ऑन द हायर साइड दोस्तों लगता है ये कंसिडरिंग जो स्पेक्स वगैरह मिल रही है हमको, बट अभी एक बार लेट सी। खैर कुछ बॉक्स वगैरह फोटोज वगैरह भी आ गई है आपके लिए, बहुत जल्दी आने वाली है अनबॉक्सिंग इसी जियो फोन नेक्स्ट की। देखते हैं क्या कुछ फीचर्स वगैरह होते हैं और यू नो किस तरीके से ये फोन का रिसेप्शन रहता है मार्केट में और कितने लोगों तक ये पहुंच पाता है, अल्ट्रा लो कॉस्ट वाला एक स्मार्टफोन। यहाँ पर दोस्तों अभी हमारे पास में टोयोटा जो है वो अभी कॉस्ट कटिंग और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पे ईवी की दुनिया में आगे एक्सपैंड करने की प्लानिंग कर रहा है यहाँ पर दोस्तों BZ4X के साथ में। और यहाँ पर दोस्तों ये जो ईवी है टोयोटा को इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। देखते हैं कि मार्केट में किस, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ना इट इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। ऑलरेडी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर प्रोग्रेस हो चुकी है और आगे और होने भी वाली है, तो सभी ब्रांड्स डेफिनेटली इस चीज़ में अपनी अपनी यू नो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली दे रहे हैं। हमारे पास में यहाँ पे अभी निकॉन का जो Z9 कैमरा है दोस्तों वो इंडिया में लॉन्च कर दिया निकॉन ने, और जो कीमत रखी है वो है 4,75,995 रुपये। पूरा 476 कर देते 5 रुपए में क्या ही मिल जाएगा 475-995 के ऊपर, बचा के क्या करेंगे। बट एनीवेज यहां पर दोस्तों ये सिर्फ बॉडी के लिए प्राइस है, लेंसेज एक्स्ट्रा इतना पैसे देके भी फोटो नहीं क्लिक कर पाओगे बिकॉज लेंस तो लगा ही नहीं होगा। लेकिन अगेन दोस्तों प्रोफेशनल कैमरा है, 8K वीडियोज वगैरह भी हैं, तो डेफिनेटली ये प्राइस तो बनती है। और आप जानते हैं कैमरे इक्विपमेंट वगैरह बहुत बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, स्पेशली ये हाई एंड वाले। यहाँ पर दोस्तों अभी पबजी न्यू स्टेट जो है वो इंडिया और इंडिया के अलावा दोस्तों और जो बाकी 200 कंट्रीज में आने वाला है, 11 नवंबर की डेट अभी तक भी बिल्कुल फिक्स है। इंडिया में काफी लोगों के मन में ऐसे धक धक वाला पूरा मूवमेंट चल रहा है कि यार आएगा नहीं आएगा, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन फिलहाल के लिए क्राफ्टन की तरफ से आप समझ लो, पबजी स्टूडियो की तरफ से समझ लो, जो अपडेट है वो ये है कि ऑल इज वेल, कोई टेंशन नहीं है, बस 11 तारीख का इंतजार करो और मजा उठाओ सीधा पबजी न्यू स्टेट का। हमारे पास में दोस्तों यहाँ पे अभी शाओमी जो है ना वो इंडिया में अपना मी 11 अल्ट्रा नहीं बेचने वाला है, बिकॉज बोलते हैं कि बस नहीं बेचने वाले हैं, मतलब काफी अवेलेबिलिटी और उसका पंगा है। बट यार आपको लगता है कि इंडिया में लोगों ने खरीदा होगा मी 11 अल्ट्रा? मतलब कितने लोगों जिन्होंने इतना महंगा वाला शाओमी का फोन लिया, जब से लॉन्च हुआ तब से डिले 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 होता रहा, बस खाली लॉन्च कर दिया कि देखो भैया इतने, उस टाइम तो बड़ा बड़ा कंपैरिजन किया था सैमसंग के साथ में और एप्पल के साथ में, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या, पता नहीं क्या रिसेप्शन मिला होगा, 100, 200, 500 कितने पीस थे, क्या था, कितना इंपोर्ट किया, आई हैव नो क्लूज। बट अभी के लिए ये फोन इंडिया से गायब हो गया है, इंडिया में नहीं आने वाला है। 2022 में सक्सेसर आएगा, देखते हैं उस टाइम पे क्या रहता है मार्केट में इसका रिस्पांस। वैसे यहाँ पर दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आता है एयरटेल को लेके, और एयरटेल का भैया जो है वो KYC वाला फ्रॉड चल रहा है बहुत ज्यादा दोस्तों मार्केट में। तो एयरटेल की तरफ से वार्निंग आई है कि भैया बच के रहो, बिकॉज आपको कॉल्स वगैरह आ सकते हैं, लोग क्लेम कर सकते हैं कि भैया हम जो है वो एयरटेल एग्जीक्यूटिव है, आपसे कुछ डिटेल्स वगैरह मांग सकते हैं और ऐसे में आपसे आदमी स्कैम या फ्रॉड हो सकता है, तो प्लीज बच के रहो। बिकॉज आज के टाइम में ना आपको इतने सारे कॉल आते हैं कई बार कि हेलो मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से वो बोल रहा हूँ, आपका बैंक है, आपका कार्ड है, आपका ये है, आपका वो है, और उसके बाद में आप कभी कभी जाते हैं जामताड़ा, देखा है ना, तो वो सीन आपके साथ में ना हो। एयरटेल ने ऑफिशियली बोला है कि प्लीज बच के रहो, बिकॉज ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं दोस्तों। बस फिलहाल देखता है, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूं दोस्तों। फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।